असा जॉनर आय थिंक आपण सगळेच कलाकार पहिल्यांदाच ट्राय करतोय. ती गोष्ट जास्त एक्सायटिंग मला वाटली ही फिल्म करण्यामागचं कारण म्हणजे की कधी मी केली नव्हती हॉरर कॉमेडी. आणि माझ्या बायकोचा प्रियकर ह्यामध्येच एक काहीतरी एक गिमिक असं एक आहे की नक्की काय आहे आणि तीच एक फिल्म आहे. म्हणजे आमच्या दोघांचं लग्न होतं ते तर आहेच, ट्रेलरमधनं एव्हिडंट आहे, पण प्रियदर्शनचा काय रोल आहे त्याच्यामध्ये, तो काय करतो, माझ्या बायकोचा हा प्रियकर कसा आणि तो आम्हाला आमच्या आयुष्यात आल्यानंतर काय घडतं, ही साधारण कथा आहे. त्याने म्हटल्याप्रमाणे त्या दोघांचं लग्न होतं, पण या सिनेमात मी भूत आहे आणि मी काही माझ्या टर्म्स अँड कंडिशन्स ठेवतो जिकडे ते आलेले आहेत. अर्थात तेवढंच होत नाही तर त्याला एक बॅकस्टोरी सुद्धा की मी तसा का वागतो. आणि खरं तर एका वेगळ्या पद्धतीने लग्न त्यांचंच होतं, हनीमून त्यांचंच आहे. मी त्यांना खरं तर काही डिस्टर्ब करत सुद्धा नाही. मी काही दोन चार अटी त्यांच्यासमोर ठेवतो आणि त्यामुळे खरं तर सगळी गंमत जंमत घडायला सुरुवात होते. युजली काय होतं, युजली हॉरर कॉमेडीमध्ये प्रॉमिनंटली विक्टिमवर जास्त भर दिला जातो. या सिनेमात असं आहे की ज्यांच्याबरोबर हे घडतं, म्हणजे ज्यांच्याबरोबर मी हे सगळं घडवून आणतो, त्याचीसुद्धा एक छान बॅकस्टोरी आहे आणि त्यातूनसुद्धा त्याचं कनेक्शन ह्यांच्या आयुष्याशीसुद्धा आहे. त्यामुळे जास्त मजेदार फिल्म झाली असं मला वाटतं की त्यांचा भाग वेगळा आणि माझा भाग वेगळा असं नव्हता, सगळं एकत्र छान जुळून आलेलं आहे, त्यामुळे मजेदार झाली आहे फिल्म असं वाटतं. हां, म्हणजे आता ॲक्च्युली मी ट्रेलर पहिल्यांदाच पाहिलं. ट्रेलरमध्ये त्यांनी खरं तर तेवढा कॉमिक एलिमेंट तसा ठेवलं नाही, जास्त थ्रिलिंग एलिमेंट जास्त ठेवलं आहे. पण कॉमेडी आहे, म्हणजे बेसिकली भूत असलं तरी अत्यंत इनोसंट भूत आहे. मरताना ज्या अवस्थेत तो होता त्याच अवस्थेत भूत म्हणून तो पुढे जगतोय, तर ती काय अवस्था आहे ते मात्र मी तुम्हाला डेफिनेटली सांगू शकत नाही. आणि त्यामुळे ह्या दोघांचे अत्यंत वेगळ्या पद्धतीचे प्रॉब्लेम निर्माण होतो. नाचायला प्रॉब्लेम म्हणजे काय, ज्या स्केलला ग्रेडला ती नाचत होती तेवढं तर मी डेफिनेटली नाचू शकत नाही, कारण ती अत्यंत फॅन्टॅस्टिक डान्सर आहे. पण प्रॉब्लेम म्हणण्यापेक्षा काय, भरपूर रिहर्सल करावी लागली. एकतर मी सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और इतना प्यार दिया हम सबको, और गाने की दो लाइन मैं आपको सुनाती हूँ. नी तुझे नहीं रे बैक सीट, तू आवारा गाव जपो पर, चल रे हट ले राजा, तू हाथ न खुलाओ, तू हाथ न खुलाओ, तू हाथ न खुलाओ रे, हाथ न खुलाओ. मैं इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ. जिस तरीके से राजीव सर हमेशा गाइड करते हैं, और बहुत सारे लोग थे, सुरेश पिल्लई जी थे जिन्होंने लिखा है, और म्यूज़िक डायरेक्टर, तो गाते टाइम उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया और मुझे बताया कि प्रोनाउंसिएशन कैसी है, और फिर मैंने गाया. तो मैं और भी डिफरेंट लैंग्वेज में भी गा चुकी हूँ, कन्नड़, और इसमें तो फिर मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती. बजट से ज़्यादा डिफरेंट कैसा होता है कि जब आप एक मराठी फिल्म करते हैं तो आप एक कंटेंट से रिलेटेड होते हैं. हिंदी फिल्म बेसिकली एक कमर्शियल होती है तो वो एक एंटरटेनमेंट ही होती है, लेकिन यहाँ पर एक कंटेंट बेस्ड होता है. आप कोई भी मराठी फिल्म देखोगे तो एक कंटेंट, और हर एक डायरेक्टर को एक इच्छा होती है कि एक कंटेंट बेस्ड फिल्म करें. इसके लिए मैंने मराठी चॉइस की, मेरी मराठी में तीसरी मूवी हो जाएगी, जो कि एक मैंने ऑलरेडी पहले की थी यूथ, ये दूसरी रिलीज है, और तीसरी एक विट्ठल है जो रिलीज है. देखिए, जहाँ तक मेरा रिसर्च था, मराठी फिल्म में ऑलवेज, आज से नहीं, आज 20 साल पहले से लेकर आज तक सिर्फ कंटेंट ही चल रहा है, और कंटेंट की वजह से मराठी फिल्म आज इतनी ऊपर है, क्योंकि लोग वहाँ जो मराठी ऑडियंस है उन्हें कंटेंट पे ज़्यादा बिलीव है, ताकि तमाशा या मनोरंजन से ज़्यादा कंटेंट पे बिलीव. तो
देखिए ये कॉमेडी हॉरर है लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसको कंटेंट वाइज कहा जाएगा। जैसे एक भूत है जो मर चुका है, एक लड़की की चाहत में मर चुका था, उसे आज तक कोई लड़की मिली नहीं, इसके लिए मर चुका था, और उसका टारगेट जो हो गया वो हमारी फिल्म की हीरोइन हो जाती है और वो पूरी पिक्चर में उसके पीछे लग जाता है उसको पाने के चक्कर में, लेकिन फाइनली उसे पता चलता है कि दिल से ही किसी को पाया जाता है, आप ज़बरदस्ती किसी को पा नहीं सकते। बेसिकली ये फिल्म का कंटेंट यही है। ऑलरेडी मचा रहा है सर, और मैं उम्मीद करूँगी कि और भी ज़्यादा मचाए, और अच्छा लगता है हर दिन YouTube पे मैं जाके चेक करती रहती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं कमेंट पढ़ूँ, तो मुझे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं और बहुत अच्छा लगता है। मैं तो वेट कर रही हूँ कि जल्दी से मिलियंस क्रॉस कर जाए, और जो कि करेगा जी। हम सब उसका हिस्सा है, और क्या कहूँ, बहुत सारे गाने रिमिक्स होते हैं और अच्छा भी एक तरीके से लगता है, क्योंकि जो गाने मतलब छोड़ चुके थे हम सुन नहीं रहे थे, अब रिमिक्स हो रहा है तो हम वापस सुन भी पा रहे हैं, तो इट्स गुड इन अ वे। वो तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है, ऑब्वियसली तो आप सबको खुश नहीं कर सकते, बट मुझे ये है कि एज फार एज इट्स म्यूजिक तो एवरीथिंग इज़ ओके, बस अच्छे वे में होना चाहिए एंड गुड। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं शो में मैं बिजी रहूँगी होपफुली, और अगर नहीं रही तो फैमिली के साथ इन्जॉय कर लूँगी जी। अभी आने वाले हैं, अभी एक्सरे द इनर इमेज है, उसमें मैंने गाने गाए हैं, और भी सारे प्रोजेक्ट हैं जिसकी बात चल रही है, बट नाम अभी नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मुझे ही कंफर्मेशन नहीं मिला है। एंड 23 नवंबर को रिलीज हो रही है, प्लीज़ सब देखिएगा। हाँ, ये पहली फिल्म है मराठी हमारी, हिंदी हम आगे बना रहे हैं, प्रदीप जी ऑलरेडी बना ही रहे हैं, उनकी डायरेक्ट लिस्ट आ चुकी है, एक दो तीन फिल्म और आ रही है, भोजपुरी में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, अगली हिंदी फिल्म जैसे ये रिलीज़ करूँ आगे बढ़ेंगे, मैं वापस मराठी भी हम लोग चालू करेंगे। हाँ, साथ में एक और मराठी बनाने की इच्छुक है, जैसे इसके बाद जैसे होगा एक दूसरी मराठी लॉन्च करेंगे।